लास्ट 10 ईयर से फार्मिंग सेक्टर में कल्टीवेशन कर रहा हूँ और फार्मर को कल्टीवेशन करा रहा हूँ। और मेरे विलेज के आसपास एरिया में औषधीय प्लांटेशन होता नहीं है। यहाँ पे गेहूँ, चावल, टमाटर वो सब कल्टीवेशन हो रहा है और उसमें फार्मर को परेशानी ज़्यादा होती है। मैं अभी जो ब्राह्मी कर रहा हूँ वो लो लाइन सॉइल है, उसमें पानी भरने पर भी फार्मर को या मुझे नुकसान नहीं जा रहा है। सपोज मैं ब्राह्मी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जमीन पूरे रेडी होने पर पानी भरने के बाद उसको प्लांटिंग करते और उसको स्टार्टिंग से लेके हम वीडिंग कंट्रोल करते, जो निंदामन आता है वो क्लीन रखते। 3 महीने के बाद जब हम क्रॉप कटिंग करते तो उसमें 2 चीज़ ध्यान रखते, मिट्टी नहीं आना चाहिए और वीडिंग अदर ग्रासेस नहीं आना चाहिए। और कटिंग के बाद हम उसको ड्राइंग के लिए अलग पेश हमने रखा है, वहाँ पे हम नेट रख के ड्राइंग के लिए मटेरियल दिन में 2-3 बार पलटाते तो ड्राइंग अच्छी तरह से हो। मॉइस्चर नहीं आने के लिए नाइट में हम उसको तार पटरी डांट देते और पैकिंग के पहले उसमें डस्ट पार्टिकल और ग्रासेस पूरा ध्यान रखते के नहीं आना चाहिए। फार्मान जा और वेदू साइंस से काम करके हमें अच्छा अनुभव मिला है, कोई परेशानी आती है तो वो हमें रास्ता दिखाते। मेरा आगे का प्लान, हम और फार्मर्स को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि अभी कोविड और वो सब बीमारी में हर्बल में डिमांड अच्छा है, तो हम आगे कल्टीवेशन कॉमर्शियल स्केल में और बढ़ाने वाले। ब्राह्मी और तुलसी की खेती में बाकी क्रॉप से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, सराउंडिंग 1 साल में 1 लाख पर एकर इनकम मिलती है। मैं फार्मान जा हर्बल और वेल्यू साइंस के लिए पूरा मेरी उधर से कोशिश करूँगा कि उनको मैं अच्छा मटेरियल, अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दे पाऊँ।